इंदौर में आधार कार्ड को लेकर दर दर की ठोकरें खाते बुजुर्ग दंपति का कहना है कि आधार कार्ड नहीं होने पर उनकी पेंशन रोक दी गई है और कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। वहीं आधार कार्ड को लेकर एक नया मामला सामने आया है। दरअसल सरकारी कार्यालयों में आधार केंद्र खोलने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें 24 केंद्र खोले जाने थे, मगर अब तक केवल 7 ही केंद्र खोले गए हैं, जिस कारण हजारों लोगों को अब भी परेशान होना पड़ रहा है। गौरतलब है कि जहां एक ओर सरकार आधार को सभी दस्तावेजों के साथ जोड़ रही है, तो दूसरी ओर आधार कार्ड ही नहीं बन रहे हैं। ऐसे में आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर जिला पंचायत सीईओ नेहा मीणा का कहना है कि आधार केंद्र शुरू करने के लिए जरूरी कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है, जिसमें कुछ त्रुटियां हैं, उन्हें सही करवाने के लिए भोपाल भेज दिया गया है। जल्द ही आधार कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। परेशानी है भाऊ जी, हमको पेंशन भी मिल रही, 6 महीने का भटक गया। कोई तो के वहाँ जाओ ये करवा के लाओ आधार से, वो जाते हैं वहाँ से लगा देते। मैं विकलांग हूँ, मेरे को कोई परेशानी एक आने ही नहीं देते वहाँ से। अब आज ही 3 घंटे के बैठे वहाँ की मैडम आई नहीं। कितने बजे से आ गए थे सुबह? हम 10 बजे से आ गए थे। तो आज भी आपको अधिकारी कोई नहीं मिला? कोई नहीं मिला। क्या बोला आपको यहाँ से? क्योंकि अभी मैडम कहीं गई है, अभी नहीं आई, उसका बैग रखा है। अब कहाँ तक बैठूँ मैं, मेरे को चक्कर आने लगा। नाम बता दो आपका। मेरा नाम देवकुंड साहू, गोविंद कॉलोनी, इंदौर।